एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाय स्टाइल्स। कैसे हैं आप सब? सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे 5 फेवरेट फाउंडेशन, और इन फाउंडेशंस को मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। लाइक कुछ फाउंडेशन 2 साल से ज़्यादा भी मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैं इसलिए आपको पता चल गया इतने लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली दे आर माई फेवरेट। लाइक मेरे टॉप फाउंडेशन लिस्ट में है ये। सो आई थॉट कि बहुत सारे क्वेरीज मुझे मिलती हैं, स्पेशली मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं कि दी हमें फाउंडेशन बता दो, मैं ये वाला लूँ वो वाला लूँ। सो क्या वैसे मैंने अपना एक पूरा फाउंडेशन का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मैं वही फाउंडेशन अपने पास रखना पसंद करती हूँ जो मुझे सूट करता है, या मेरी स्किन को सूट करता है, या मेरे पे जाता है अच्छे से। सो क्या तो इसमें मेरे पास नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन सबके लिए है फाउंडेशन। सो या गर्ल्स डोंट वरी, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना जिनको भी ये फाउंडेशन रिलेटेड क्वेश्चन या क्वेरीज होती हैं, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, उसके साथ बेल आइकन को भी जरूर हिट करना। इट मींस अ लॉट टू मी गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले फाउंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मेकअप कलेक्शन। अगर आप किसी भी इवेंट के लिए जा रहे हैं, या फिर आपको किसी भी तरीके का मेकअप किट बनाना है, तो एक अच्छा फाउंडेशन ज़रूर लें, क्योंकि ये बेस में आता है। तो अगर आपने अच्छा फाउंडेशन नहीं चूज़ किया, या फिर अच्छा एप्लीकेशन फाउंडेशन का नहीं हुआ, बेस ही खराब है, तो मेकअप आप कितना भी अच्छा कर लें आपका मेकअप अच्छा नहीं लग सकता। तो या बेस्ट फाउंडेशन अपनी स्किन टाइप, अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ जरूर लें। स्किन टाइप इज लाइक नॉर्मल स्किन है आपकी, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन है या ड्राई है, दैट्स कॉल्ड स्किन टाइप। एंड स्किन टोन तो आपको पता ही है, मीडियम, डस्की, फेयर एंड ऑल, जो भी स्किन टाइप है, स्किन टोन है, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ सबसे पहला फाउंडेशन, जो कि है ये पैक का फाउंडेशन। इट्स अ पैक फाउंडेशन, HD लिक्विड फाउंडेशन है ये। एंड यहाँ पे जितने भी फाउंडेशन में बस लिक्विड है, पर्सनली मैं लिक्विड फाउंडेशन पसंद करती हूँ, बिकॉज आई फील कि वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। एंड इनको ब्लेंड करने के लिए मैं हमेशा हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर को ही प्रेफरेंस देती हूँ। आई डोंट नो वाई, बट आई फील कि ब्यूटी ब्लेंडर मुझे एक अच्छा कवरेज एंड ऑल जो भी चाहिए एक्सेस को रिमूव करता है। सो दिस इज माई फर्स्ट फाउंडेशन। मेरा शेड है 2.3 एंड इट्स एग्जैक्टली मैच मेरे स्किन टोन से। एंड मैं बहुत हाई कवरेज वाले फाउंडेशन नहीं पसंद करती हूँ, और ये जो है आपको मीडियम टू हाई कवरेज देता है। ये पम्प के साथ आता है, और यहाँ पे जितने भी फाउंडेशन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये सारे के सारे पम्प के साथ आते हैं, तो कंट्रोल करना ईजी होता है। सी, एक पंप लिया, इतना ही प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा। एंड ये जो है कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, सो अगर आपकी ऑयली टू नॉर्मल स्किन है उसके लिए ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। ब्लेंड अगर आप करते हो तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एंड कवरेज जो है आप इसे बिल्ड कर सकते हो, काफ़ी लास्ट लॉन्ग करता है ये आपके फेस पे, बेस को बहुत स्मूथ करता है, एंड बिल्कुल भी केकी नहीं लगता ये फाउंडेशन। मुझे पैक का फाउंडेशन पर्सनली काफ़ी पसंद है, तो दिस इज माई फर्स्ट फाउंडेशन। एंड या ओके, नेक्स्ट जो है वो ऑल टाइम फेवरेट है गाइज, एंड इट्स अ मेबेलिन सुपर स्टे 24 आवर लॉन्ग लास्ट फुल कवरेज फाउंडेशन। सो बेसिकली इट्स अ सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन। मेबलिन का फिटमिंग फाउंडेशन आपको पता ही है, मैंने काफ़ी बार बताया है, जो मेरा फेवरेट है। अफोर्डेबल में अगर आप जाना चाहो तो वो है, बट अगर आप बात करो कि मेबलिन में कौन सा फाउंडेशन मैं रिकमेंड कर सकती हूँ बेस्ट में, सो आई कैन से ट्राई दिस वन, दिस इज सो गुड यू गाइज। ये है मेरा शेड 220 नेचुरल बेज, मुझे मोस्टली बेज अंडरटोन में ही आ जाते हैं। सो या 220 एंड इट कम्स विद द पम्प अगेन, एक पम्प बहुत होता है, एंड अगेन ये थोड़ा सा थिक है। सी, सो अगर आप नॉर्मल टू ऑयली स्किन में भी हो तो भी आपको जाएगा, और अगर आप ड्राई स्किन के हो तो डोंट वरी, आप कोई भी मॉइस्चराइजर, अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करो एंड उसके बाद ये फाउंडेशन अप्लाई करो, और ये वो जो है आपको फुल कवरेज काइंड ऑफ देता है, फुल कवरेज देता है। आप इसको बिल्ड भी कर सकते हो, केक ही नहीं लगता ये फाउंडेशन, बहुत अच्छा कवरेज है इसका, एंड ये काफ़ी लॉन्ग लास्ट करता है आपके फेस पे। लेकिन अगर आप पूरे दिन का भी सोच रहे हो तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, मतलब मेकअप काफ़ी लास्ट लॉन्ग रहता है इसको लगाने के बाद आपका बेस, और बेस बहुत स्मूथ भी लगता है। यू कैन सी माई हैंड राइट नाउ, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, ब्लेंडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मेक श्योर आप कोई भी स्किन टाइप हो, अच्छा मॉइस्चराइजर जरूर लगाओ फाउंडेशन लगाने से पहले।
एक टिप है मेरी तरफ से. ओके नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है अगेन मेरा फेवरेट है. आई टोल्ड यू यहाँ पे जितने भी फाउंडेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो मेरी फेवरेट है. उनको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ. सो नेक्स्ट रिकमेंडेशन इज दिस लॉरियल इनफॉलेबल 24 आवर्स स्टे फ्रेश फाउंडेशन. फ्रेश फाउंडेशन व्हाइट मेकअप्स मेल्टडाउन. इस फाउंडेशन को मैं बहुत टाइम से लेना चाहती थी. मतलब मैंने जितनी भी लोगों को देखा है इसका हमेशा पॉजिटिव रिव्यू ही देखा है एंड बहुत लोगों ने इसकी तारीफ करी है एंड दैट्स व्हाई एक ये रीज़न था मुझे इसको लेना था. ये प्राइस इसका समवेयर अराउंड 1200 है. बाय द वे मैंने इनके प्राइजेस नहीं बताए. ये मेबेलिन वन समवेयर अराउंड 750 क्वाइट अफोर्डेबल. ऑनलाइन अगर आप बाय करोगे तो आपको हमेशा ऑन डिस्काउंट पे मिल जाता है, बेस्ट प्राइस में मिल जाएगा. तो प्लीज डू ट्राई दिस वन. पैक वन अगेन 800 और 750 रुपीज का आता है. नेक्स्ट वन इज दिस. ये कॉस्ट करता है आपको 1200 रुपीज बट मेरे को जब मैंने लिया था तो मुझे डिस्काउंट मिल गया था अराउंड 1000 रुपीज का. तो या स्टील बाय. सो आप हमेशा ट्राई करोगे जब यू नो ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं तो उस टाइम पे अगर बाय करते हो तो मिल जाता है. वैसे हमेशा आपको ये डिस्काउंट में मिल ही जाएगा. सो मेरा जो शेड है वो है गोल्डन बेज 140 एंड अगेन गाइस इट्स अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन. माय गॉड दिस इज सो गुड. लुक एट दैट. इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है. नॉर्मल टू ड्राई टू मीडियम एवरी स्किन टाइप के बंदे से यूज कर सकते हैं. एंड इसका कवरेज मैं आपको दिखा रही हूँ. जस्ट एक पंप है ये एंड लुक एट द कवरेज इधर से और इधर से. एंड इसकी शाइन देखो. मतलब अगर आप ड्राई स्किन वाले भी हो तो भी आपको यू नो बहुत ही इंची इंची फटाफटा सा नहीं लगेगा. क्योंकि ड्राई स्किन वालों को अगर उनके स्किन टाइप का फाउंडेशन ना मिले तो उनके पैचेस पड़ जाते हैं ड्राइनेस की वजह से. और ये भी ब्लेंड करने में आपको कोई इशू नहीं आता. फाउंडेशन मैजिकली ब्लेंड हो जाता है. ट्रस्ट मी मैजिकली ब्लेंड हो जाता है ये फाउंडेशन. एंड मुझसे अगर आप पूछते हो कि यार 1000 की रेंज में कोई फाउंडेशन सजेस्ट करो तो हाईली रिकमेंड कर सकती हूँ मैं. क्योंकि इसका जो कवरेज है वो भी बहुत बेस्ट कवरेज है. आप पार्टी फंक्शन शादी किसी भी इवेंट के लिए इस फाउंडेशन को कैरी करोगे तो योर मेकअप विल लुक फ्लॉलेस. इसका बेस बहुत फ्लॉलेस है एंड कवरेज बहुत अच्छा है. इवन डार्क सर्कल्स भी या कंसीलर भी यूज नहीं करो तो भी कंसीलिंग का काम भी बहुत अच्छा करता है. जितने भी मार्क्स एंड ऑल है सब सबके सब हाइड हो जाते हैं. सो आई थिंक दिस इज अ वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन ड्रग स्टोर में जो अवेलेबल है. आपको ट्राई करना चाहिए. ऑलराइट नेक्स्ट जो यहाँ पे है ऑल टाइम फेवरेट. एक्चुअली मेरी स्किन नॉर्मल है. समटाइम्स ऑयली हो जाती है समटाइम्स सम एरिया. तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी फाउंडेशन के साथ. बस बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन वाले फाउंडेशन मैं कम ही अवॉइड करती हूँ बिकॉज मुझे ड्यूइनेस पसंद है. और अगर इस तरीके की फाउंडेशन अप्लाई करते हो तो ब्लेंड करने में बहुत ईजी होता है. सो इट्स अ एले गर्ल प्रो कवरेज हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन. लॉन्ग नेम नहीं. सो बेसिकली इट्स अ एले गर्ल प्रो HD फाउंडेशन एंड इट गिव यू अ प्रो कवरेज लाइक अ प्रोफेशनल कवरेज जैसा देता है. जैसे कि प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट करते हैं तो इट मीन्स ये आपको फुल कवरेज देता है. आई कैन से इट्स ट्रू. बट अगर आप इसके दो कोट लगाते हो तो फर्स्ट कोट में ही आपको बहुत ही ब्यूटिफुल फिनिश देगा. जस्ट लाइक यू नो आपकी सेकेंड स्किन है नेचुरल स्किन है उस तरीके की फिनिश देता है फाउंडेशन. और आपको बहुत पसंद आएगी इसकी फिनिश. मतलब सारे फाउंडेशन लगते हैं कि आपने काफ़ी यू नो कुछ बेस लगाया है बट ये फाउंडेशन लगता है कुछ लगाया है बट बहुत हैवी नहीं है बेस. यू नो मैंने अपने फेस पे लगाया है यहाँ पे. सो इस वाले साइड पे मेरे राइट हैंड साइड पे एंड फर्स्ट लेयर जो थी इसकी बहुत ही नेचुरल लगती है. स्किन इल्यूमिनेटिंग इट सेज की इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन है. इट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल ग्लो. अगर आप हल्का हल्का सेट कर लो दैट्स इट. बहुत ज़्यादा सेट मत करो तो इट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल ग्लो. इवन यू कैन सी राइट नाउ अभी भी मेरे फेस पे कोई ड्राइनेस इतनी नहीं दिख रही है. आई हैव अप्लाई दिस फाउंडेशन ऑफ दिस साइड. सो एंड मैं इसे ब्लेंड करने के लिए स्पंज यूज करती हूँ. बहुत अच्छा स्पंज के साथ ब्लेंड होता है. अगेन कम्स विद अ पंप. द प्राइस ऑफ दिस वन इज अराउंड 1400 और समथिंग बट ऑन डिस्काउंट डेफिनेटली आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा. माई शेड इज नेचुरल एंड या मुझे सूट करता है. मतलब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है समटाइम्स की डार्क है बट ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज भी नहीं होता है. सो आई फील कि दिस इज सो गुड. ज़्यादातर फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं और यहाँ पे जितने ही फाउंडेशन मैंने आपके साथ शेयर किए ये लिटिल बिट ऑक्सीडाइज होते हैं. बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं. डोंट वरी. नेक्स्ट एंड जो लास्ट फाउंडेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ
एंड मेरी नेक्स्ट रिकमेंडेशन भी यही है कि एले गर्ल का फाउंडेशन, ड्राई स्किन टाइप वाले बंदे प्लीज डू ट्राई दिस वन, नॉर्मल टू ड्राई प्लीज ट्राई दिस वन, यू विल लव इट एंड यू विल से थैंक्स टू मी, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पर ले रहे हो तो. नेक्स्ट आई हैव दिस मिलानी का फाउंडेशन, इट्स अ कंसील प्लस परफेक्ट. सो बेसिकली ये आपके कंसीलर का काम भी करता है. मेरा शेड है 0 to natural, इट गिव्स मी मीडियम टू फुल कवरेज अगर इसमें बिल्ड करूं, बट आई लाइक मीडियम कवरेज. सो या फॉर मी इट्स अ ब्यूटिफुल फाउंडेशन, कवरेज इज प्रीटी नाइस एंड आई हैव अप्लाइड ऑन दिस साइड एंड आई फील कि मुझे बहुत पसंद आता है और मेरे सेकेंड बॉटल भी है. डू ट्राई दिस वन एज वेल, बट हाईली हाईली रिकमेंड यू गाइज एले गर्ल, लॉरियल वन एंड देन मेबेलिन वन, ये आपके बजट में भी सेट हो सकता है. सो ये थे मेरे टॉप 5 फाउंडेशन गाइज जो मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं. ये बहुत ही ब्यूटिफुल फिनिश के साथ फाउंडेशन है एंड अगर आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं. आपका जो अगर आपको लगता है कि हमारा मेकअप यू नो केकी हो जाता है, बेस खराब हो जाता है, तो इसके साथ आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि आपका बेस बहुत प्यारा लग रहा है. सो इनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. ऑल दीज फाउंडेशन आर अवेलेबल ऑन फॉक्सी, तो फॉक्सी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो मेक श्योर फॉक्सी आपको जरूर डाउनलोड कर, इन फाउंडेशन को फॉक्सी से आप बाय कर सकते हैं. सो फॉक्सी का एक और स्पेशल फीचर है जो कि मैंने अभी तक किसी और वेबसाइट पे नहीं देखा ऐसा फीचर. वो ये है कि वहां पे जब आप जब भी लॉग इन करते हो या फिर ऐप को डाउनलोड करने के बाद लॉग इन करते हो, सो वहां पे आपको एक होगा टेक अ सेल्फी करके एंड वो है फेस एनालिसिस. वो सेल्फी जो है वो फेस एनालिसिस करती है आपके हेयर और फेस को एंड उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइक योर आई कलर, योर हेयर टेक्सचर, योर स्किन टाइप एंड यू नो एवरीथिंग रिलेटेड टू यू. जो भी वो फेस एनालाइज कर रहा है उसके रिगार्डिंग आपको सिर्फ ऑप्शंस को टिक करते हुए जाना, दैट्स इट. एक मिनट का होगा ये क्विज टाइप का. सो ये एनालिसिस एंड उसके बाद रिव्यू करता है, ये फेस एनालिसिस एक रिव्यू रिपोर्ट आपको देता है कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए सूटेबल हैं. क्वाइट इंटरेस्टिंग, लाइक फेस से और बालों से एनालाइज करके आपको स्किन केयर, DIY, हेयर केयर, मेकअप सब कुछ सजेस्ट करेगा. ऑल्दो अगर आपको नहीं बाय करना है तो इट्स ओके, बट यू नो एनालाइज करने के बाद अगर कोई चीज़ रेकमेंड हो रही है विच मीन्स कि वो आपके लिए ही बनी है. सो मैंने भी वो चीज़ें एनालाइज करी एंड कुछ तो प्रोडक्ट जो मैंने देखे कि वो मेरे पास हैं, लाइक आई एम यूजिंग इट. सो आई फील या गुड, नाइस. तो या अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो प्लीज एक बार वो फेस एनालिसिस वाला जरूर ट्राई करना, फीचर अमेजिंग फीचर है वो. सो मैं फॉक्सी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं फॉक्सी को. ऑलराइट गाइस, सो ये था आज का वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अच्छी लगा हो तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. आई लव यू गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. या हम बहुत जल्दी 150K क्रॉस कर लेंगे वहां पे, तो उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना बहुत जरूरी है. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड.